नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ अब से थोड़ी देर में और भूपेश बघेल शाम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। चार समझौतों पर हस्ताक्षर। राज्यसभा की कार्यवाही कावेरी रन मुद्दों पर दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक बाधित रहने के बाद फिर शुरू। चक्रवाती तूफान पेत्थाई आंध्र तट पर पहुंचेगा। राज्य के 4 तटवर्ती जिलों में भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना। और पर्थ में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए भारत को 287 रन की जरूरत। दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के दंगा मामलों में हत्या की साजिश रचने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा। न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को भी इस मामले में दोषी करार दे चुका है। उच्च न्यायालय आज 1984 के दंगा मामलों में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई, दंगा पीड़ितों और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये दंगे हुए थे। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सच्चाई छुपाने की कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सिख दंगों का साया कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरे हुए है। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। हम में से अनेक लोगों के सामने 1984 में दिल्ली और देश भर के कई हिस्सों में जो कुछ हुआ वह शायद अब तक का सबसे भयावह नरसंहार था। ये सुनिश्चित करने की बजाय कि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को सजा मिले, कांग्रेस सरकारें बार बार इसे छिपाने के काम में लगी रही। सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सज्जन कुमार को सजा सुनाए जाने से 1984 के दंगों में उनका शामिल होना सिद्ध होता है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आखिरकार इस मामले में न्याय मिल गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मांग की है कि दंगों में शामिल अन्य कांग्रेसी नेताओं पर भी मुकदमे चलाए जाएं। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री चंदूमाजरा ने कहा कि एनडीए ने ही दंगों से जुड़े मामलों की फिर सुनवाई पर बल दिया, जबकि कांग्रेस पीड़ितों को न्याय से वंचित कराने में लगी थी। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस फैसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये पुरानी कार्रवाई है, कम से कम 20 साल से अलग अलग विभिन्न कार्रवाइयां चल रही हैं, उसमें से एक का निर्णय आज आया है। कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए, चल रही है, इसके बाद अपीलें होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें राजनीतिक टिप्पणी करके राजनीतिक लाभ या राजनीतिक दुरुपयोग किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री सचिन पायलट ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित हुए समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत की सलाह पर सचिन पायलट को राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
श्री गहलोत 3 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार श्री कमलनाथ अकेले ही शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को पार्टी नेतृत्व के परामर्श के बाद शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने 15 वर्ष के बाद राज्य में वापसी की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, एलजेडी नेता शरद यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, डीएमके नेता एमके स्टालिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को रायपुर में शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज मौसम बदला हुआ है। कल शाम से आसमान पर बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हो रही है। राजधानी रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम 4:30 बजे राज्य के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शपथ दिलाएंगी। इस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और मालदीव ने आज नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये समझौते हुए। एक प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मालदीव को $1,40,00,000,000 की वित्तीय सहायता देगा। मुझे खुशी है कि इस प्रतिबद्धता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के तौर पर मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बजट सपोर्ट, करेंसी स्वैप और रियायती लाइन्स ऑफ क्रेडिट के रूप में $1.4 बिलियन की आर्थिक सहायता भारत मालदीव को प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिष्टमंडल स्तर की वार्ता बहुत ही सार्थक रही और दोनों देश आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने को सहमत हुए। उन्होंने भारत और मालदीव के बीच नए वीजा समझौते का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत मालदीव के विकास, विशेष रूप से आर्थिक विकास में पूरा सहयोग देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। राष्ट्रपति सोली और मैं इस पर भी सहमत है कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें अपने सहयोग को और गहन बनाने की जरूरत है। दोनों देशों के सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति सचेत रहने पर भी हम एकमत है। इससे पहले आज सवेरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मालदीव के राष्ट्रपति का रस्मी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद थे। मालदीव के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हुई है। राज्यसभा में आज कावेरी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों पार्टियों के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद फिर शुरू हो गई है। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC के गठन की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का विरोध भी जारी रहा। वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी खड़े हो गए। भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की मांग करने लगे
ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के सदस्य भी कावेरी मुहाने के किसानों के बचाव के लिए कावेरी नदी पर बांध बनाने का विरोध करते हुए बीचों बीच पहुंच गए। तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत राज्य को वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। जम्मू कश्मीर में संयुक्त प्रतिरोध फोरम के बंद के आह्वान पर कश्मीर घाटी में आज लगातार 3रे दिन जनजीवन प्रभावित है। फोरम ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 7 नागरिकों की मौत के विरोध में बंद रखा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 7 लोगों के मारे जाने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रशासन से मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान पेथाई के उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर आज 3 दोपहर काकीनाडा के पास आंध्र तट पार करने की संभावना है। इसके असर से 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, गुंटूर और विशाखापट्टनम में मूसलाधार वर्षा और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए इन जिलों को सतर्क कर दिया गया है। हालांकि तटीय और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के कई भागों में भारी और मध्यम वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कृष्णा जिले में सभी शिक्षा संस्थान आज बंद हैं। विजयवाड़ा से कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। विजयवाड़ा से जी कोंडला राव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ओडिशा में भी तूफान पेथाई के असर से बारिश हो रही है। भीषण समुद्री चक्रवात पिथाई को नजर में रखते हुए ओडिशा की गजपति जिला प्रशासन ने 174 बात्या आश्रय स्थल में लगभग 12,000 लोगों को स्थानांतर किए हैं। झारसुगुड़ा, संबलपुर और कुछ पश्चिमी जिला में बारिश हुई है। राज्य की दक्षिण तटीय जिला में भी बारिश शुरू हुई है। इन 11 जिला के कृषकों को अपना शस्यों को सुरक्षित रखने के लिए और मछुआरों को भीड़ समुद्र में न जाने के लिए सलाह दिया गया है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी के लिए सुधांश धड़ा। मौसम विभाग के महानिदेशक केजे रमेश ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया, काकीनाडा का लगभग 70-80 किलोमीटर के साउथ तट पर ही केंद्रीकृत हुआ है। अब आने वाली 1-2 घंटे में पूरा लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम होते ही वीक हो जाएगा। कल सुबह तक तो पूरा साइक्लोन इफेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर खत्म हो जाएगी। इसकी जो डिप्रेशन के रूप में जो बारिश देगी अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है एंड झारखंड तक बारिश का प्रभाव रहेगा। पर्थ क्रिकेट टेस्ट मैच के 4थे दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए दूसरी पारी में 287 रन बनाने का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत के 4 खिलाड़ी 76 रन की संख्या पर आउट हो गए। कप्तान कोहली 17, मुरली विजय 20, चेतेश्वर पुजारा 4 रन बनाकर आउट हुए जबकि केएल राहुल खाता भी नहीं खोल सके। ताजा समाचार मिलने तक रहाणे और हनुमा क्रीज पर थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 142 से आगे खेलते हुए दूसरी पारी में 243 रन बनाए। बेल्जियम ने विश्व कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर में कल फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड्स को शूटआउट में 3-2 से हराकर बेल्जियम पहली बार चैंपियन बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कप हॉकी जीतने पर बेल्जियम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कड़ा मुकाबला करने के लिए नीदरलैंड्स को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कल फाइनल मैच बहुत ही यादगार रहा। दोनों ही टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ अब से थोड़ी देर में और भूपेश बघेल शाम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यसभा की कार्यवाही कावेरी और अन्य मुद्दों पर दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद फिर शुरू हो गई है। चक्रवाती तूफान पेथाई आंध्र तट पर पहुंचेगा। राज्य के 4 तटवर्ती जिलों में भारी वर्षा और तेज हवाएं चल रही हैं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।